अक्षरधाम मंदिर के पास प्रशासन की तरफ से रोके जाने पर किसानों ने उग्र रूप दिखाया। गौरतलब है कि किसानों की आज ट्रैक्टर परेड निकलनी थी, मगर जो टाइम था 12 बजे के बाद था। प्रशासन का कहना है कि किसानों की तरफ से कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, टाइम से पहले यहाँ पर आ गए, मगर जो बैरिकेड लगा रखे थे जो अक्षरधाम मंदिर के पास, वहाँ पर पहुँचे किसान टाइम से पहले पहुँच गए, मगर उसके बाद किसान जबरदस्ती करना चाह रहे थे निकलने के लिए, मगर उसके बाद रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले फेंके गए, मगर किसान तब भी नहीं माने, किसान उग्र रूप ले लिया। उसके बाद जितने भी बैरिकेड थे बैरिकेड तोड़ दिए, बस खड़ी थी बसों के शीशे तोड़ दिए। देख सकते हैं आप, ये NH9 और NH24 वाला रास्ता है जो गाजीपुर से होते हुए ये अक्षरधाम की तरफ से दिल्ली में एंटर कर रहे थे। ये पूरा आप देख सकते किस तरह से लोग जो किसान हैं, जो अपने हक के लिए जो पिछले 55 दिनों से कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, उनकी मांग थी कि जो तीनों काले बिल हैं वो वापस लें, अन्यथा हम इससे ज़्यादा भी कुछ करेंगे। उसी के बाद जो किसान नेता राकेश टिकैत बाद सभी और जो किसान नेता, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मगर उसके बाद दिल्ली पुलिस में और किसानों के बीच में बात हुई, तब इनको अनुमति दी कि आप इन रोडों पर आपको हम अनुमति देंगे, मगर इनके अलग से आप कोई दूसरा रूट नहीं ले सकते। मगर उसके बावजूद देख सकते हैं कि जो किसान थे समय से पहले जो थे वो NH9 NH24 जो अक्षरधाम के पास पहुँचे, जहाँ पुलिस का भारी बल था, यहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, वाटर कैनन था, वह CISF BSF की सभी यहाँ टुकड़ियाँ मौजूद हैं, जहाँ इनको रोकने की कोशिश की, मगर किसान हैं उनको अपनी मांग पूरी करनी थी, उन्होंने उग्र रूप दिखाकर जो गाड़ियाँ थी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिया, इसके अलावा जो बैरिकेड थे बैरिकेडों को भी हटा दिया। सर कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी से, अमरोहा। सर क्या सरकार मानेगी सिर्फ परेड निकालने के बाद? पड़ेगा, आपको स्थिति देखते हुए पता चल रहा होगा, मानना तो सरकार को पड़ेगा। अच्छा, सरकार नहीं मानी, इससे आगे क्या नीति है इसकी? इससे आगे की प्रक्रिया जैसे भी हमें बताया जाएगा उस हिसाब से लेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गोले छोड़े गए, कब छोड़े गए थे ये? अभी हम यहाँ से निकले थे, बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस वालों ने गोले छोड़े, देखो कईयों के सिर पे भी लगे हैं, चोट भी आई कईयों के।